अस्सलाम वालेकुम। तो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में अब तक सबसे अच्छा काम यही किया है कि मेरी इस वीडियो को आपने ओपन कर लिया है, और अब आप कामयाबी से अपने इन्फिनिक्स या टेक्नोफोन का FRP रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। आपने एक काम करना है, वो काम ये है कि अपने फ़ोन को आपने वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देना है, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अपनी वीडियो में। तो आपने मेरे इस वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं करना, आपने अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि मैं कोड हर रोज़ चेंज करता रहता हूँ। वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो वाईफाई के नाम के आगे QR कोड का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये एक दफ़ा बैक चला गया, मैं इसको दोबारा वहीं पर लेके जाता हूँ। वाईफाई के नाम के आगे QR कोड के ऑप्शन पे क्लिक किया, क्विक शेयर पे क्लिक किया, इसके बाद आप ने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप लर्न मूवर पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह से हम जाएंगे डायलर सेक्शन में, उसके लिए मैं एक तरीका कार यूज़ करता हूँ। हेल्प सेक्शन में जाऊँगा। हेल्प सेक्शन में जाने के बाद आपको ऊपर की जानब 3 डॉट का बटन मिलता है, यहाँ पर शेयर आर्टिकल पर क्लिक करेंगे और ब्राउज़र पे क्लिक कर देंगे, जो इन्फिनिक्स का ब्राउज़र होता है इस पे क्लिक कर देंगे फोनिक्स पे, तो फोनिक्स ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तो ब्राउज़र में हमने एक वेबसाइट का URL एड्रेस टाइप करना है, efrb.me, जिसके बाद हमारे सामने इजी फर्मवेयर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें डायलर का ऑप्शन मिलता है, जिस पे ओपन पे क्लिक करने से डायलर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे हम *#85# कोड डायल करेंगे, जिससे फ़ोन का ADB मोड ऑन हो जाएगा। अब आपने अपने कंप्यूटर में ये जो टूल मैं दिखा रहा हूँ, ये आपने डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। इस टूल का लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इस टूल को ओपन करने से पहले या डेस्कटॉप पे रखने से पहले अपने कंप्यूटर का फायरवॉल या एंटीवायरस वगैरह आपने डिसेबल कर देना है, क्योंकि ये मॉडिफाइड टूल है, लिहाजा एंटीवायरस और फायरवॉल वगैरह इसको वायरस के हिसाब से डेडिकेट करता है, लेकिन इसमें कोई वायरस नहीं है, मॉडिफाइड टूल है, इसलिए ये ऐसी प्रॉब्लम आती है। आपने ये टूल ओपन कर लेना है और रीसेट FRP ADB पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, फ़ोन की स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन नमूदार होगा, जिसको हम अलाउ करेंगे, और जो टूल है इसके एक साइड में ये कुछ लोगोस चलेंगी, और कुछ ही सेकंड्स में आपका फ़ोन रीस्टार्ट होके दोबारा ऑन होगा। दोबारा ऑन होने के बाद आप देखेंगे कि आपके फ़ोन का FRP रिमूव हो चुका है। इतनी बड़ी बात आप तो तक आज तक इस पूरी दुनिया में, आपकी पूरी ज़िंदगी में किसी ने नहीं पहुंचाई, क्योंकि ये बातें सिर्फ मैं ही आप लोगों से शेयर करता हूँ, तो आप लोगों को मेरी कदर नहीं है। आप लोग मेरी कदर करना सीखें, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। चाय पे मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।